डिफरेंशिएशन के सेकंड पार्ट में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हमको कैलकुलेट करना होता है, वो किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमम हुआ करता है, कि हमको किसी के मैक्सिमा और मिनिमम पता करना है। देखो, मैक्सिमा और मिनिमम पता करने के लिए हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। कोई फंक्शन हमको गिवन है, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास में वाई इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, दैट इज डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दैट मीन dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर dx equal to d over dx of आपको पता पता करना है fx का function of x, आपको पता करना है कि कितना होगा, ठीक। step second में जब आपने ये find out कर लिया, तो step second में आप इस step को follow, इसको follow करोगे, जो हमारा differentiation आया है, that is put करना है आपको dy over dx equal to zero, इसको zero के equal put करो, और इस फंक्शन को सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व होगा तो x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, नाउ सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। अब आपने जब ये स्टेप फॉलो कर लिए, दैट इज फर्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड स्टेप में आपने उसको जीरो के इक्वल लिखा और उस फंक्शन को सॉल्व करके एक्स निकाल लिया। इसके बाद आप स्टेप थर्ड फॉलो करोगे, दैट इज आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे फंक्शन का, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। आपने सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है, dy d2y ओवर dx स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, किसका, d ओवर dx ऑफ आपको फंक्शन ऑफ x का। और जब ये स्टेप आप कंप्लीट कर लो, देन आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। पुट करने के बाद अगर आप देखो, इस d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, तो x की इस वैल्यू के लिए y मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, x की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आएगा। और अगर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम आएगा, दैट इज मिनिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आए, तब जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करने पर अगर ये नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम देगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम देगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आप किसी भी इक्वेशन में, एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, y equal to fx कोई फंक्शन गिवन है, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकाला, dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ fx निकाल दिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करोगे, इसी डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिखो और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आपको x मिल जाएगा। जब आपको x मिलेगा तो x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा। इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक बार हमने इसको समझा, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन ये है, दो फोर्सेस हैं हमारे पास, दो चार्ज बॉडी है, दैट मीन ये एक, इस चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम, दैट मीन ये क्यू चार्ज
कि एक बॉडी है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो इस पॉइंट डिवाइड कर लिया इसका चार्ज q है और एक इसमें डिवाइड किया तो इसका चार्ज बचेगा q माइनस q। मेरे को इस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल q कि ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए देखो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स की के लिए इक्वेशन होती है F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स ऐसे निकलता है। अब फोर्स हमने निकाल लिया F इक्वल टू K Q Q माइनस Q ओवर R स्क्वायर, इतना फोर्स है। अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, इस वाले को आप यहां से स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको कहा था कि आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज df ओवर dq करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो जो कांस्टेंट नंबर है वो तो बाहर रहेंगे, इनका तो कुछ होना नहीं है। इसको देखो बेटा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो q * q माइनस ऑफ q स्क्वायर ये है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है k / r स्क्वायर तो कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन करना है d ओवर dq करना है। तो देखो कैसे होगा, k 1 / r स्क्वायर इसका, ये तो कांस्टेंट है, q का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, q का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये रह जाएगा q माइनस, ये x की पावर n से करो तो ये पावर आगे आ जाएगी, दैट इज 2 q 2 - 1 रहेगा। अब df / dq जो आएगा वो आ गया हमारा k / r स्क्वायर q - 2q, q - 2q करोगे तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसको किसके इक्वल लिखना होता है, देखो ये तो स्टेप वन था आपका, ये डिफरेंशिएशन है जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था। अब हमने कहा था सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड में आप इस फंक्शन को जीरो के इक्वल लिखोगे, पुट द df / dq इक्वल टू जीरो। अब आप इसको जीरो के इक्वल लिखो तो k 1 / r स्क्वायर q - 2q इक्वल टू जीरो, तो q - 2q इक्वल टू जीरो, देन q इक्वल टू आ जाएगा q / 2। ये हमारे q की वैल्यू आ गई, स्टेप सेकंड पूरा हो गया। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में हमारे पास कॉन्सेप्ट में ये क्या होता है, q की वैल्यू q / 2 है ना। अब आप क्या करते थे, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज d2f / dq स्क्वायर निकालते हैं, तो d स्क्वायर f / dq स्क्वायर दोबारा से डिफरेंशिएट करना है आपको इस वाली फंक्शन को, इस वाली फंक्शन को जो हमारे पास df / dq है, तो k / r स्क्वायर तो यही होगा। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो q का डिफरेंशिएशन 0 - 2 इक्वल टू ये आ गया, इसको 0 के इक्वल लिखो तो k / r स्क्वायर - 2 बचेगा, दैट इज नेगेटिव की वैल्यू आ गई है। नेगेटिव की वैल्यू आने का मतलब है ये क्या देगा, मैक्सिमा देगा, दैट इज अब इसका के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम होगा। इतने स्टेप्स में आपको इसे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। हमने पहले देखा कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले हमने फोर्स निकाला दोनों के बीच में, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसे जीरो के इक्वल लिखो, वहां से क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब इस क्यू की इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, तो आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू को क्या देगा, मैक्सिमम देगा।